अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? अच्छा, आज जो है हम आए हैं इस वक्त डिनर पे, कहाँ पर? काबुल रेस्टोरेंट। दिस इज़ अ काबुल रेस्टोरेंट जिसका नाम है, और छोटा सा रेस्टोरेंट है, बट ये कि जो इनका एम्बियंस है, यहाँ पर बैठने का जो जगह दी गई बड़ी ज़बरदस्त है। अभी हम लोग मेन्यू वगैरह देख रहे हैं और ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, कामरान ने ऑर्डर दे दिया है, साथ मामा ने भी, एंड कामरान ने जो है कबाब के साथ डील ली है। तो इस तरह से इनका यहाँ से बना हुआ है, एंड बाकी इनका सिटिंग अरेंजमेंट जो है यहाँ पर इस तरीके से है, कारपेटेड फट्टे लगे हुए हैं, और ये मामा बैठी हुई हैं, कामरान बैठे हुए हैं, हम लोग अपना नंबर लेके यहाँ पे बैठे हैं आराम से। अच्छा, हम लोग ना यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अभी मम्मा और मैं, कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास पर्थ में हलाल रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं ना, उनका कोई एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़ास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनको ज़रूरत ही नहीं होती है एम्बियंस पे काम करने की। ये लोग बस रेस्टोरेंट खोलते हैं और चल जाता है, क्यों ऐसा ही है ना? वैसे क्या रीज़न है, क्या वैसे इसका? एक्सपेंसिव पड़ता है, लगा इनको सेटअप करना पड़ता है, और डबल प्राइस हो जाती है। ऑलरेडी इनकी जो मशीनरी है सारा कुछ, तो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, कहते हैं कि आप जाया करें फिर जब हमारी। और चलते भी हैं, मज़े की बात ये है कि इनके चलते भी हैं रेस्टोरेंट्स, बिकॉज यहाँ पे हलाल ऑप्शंस कम है इस वजह से ना। खैर, अब तो हलाल ऑप्शंस काफ़ी आ भी गए हैं, लेकिन स्टिल मैंने देखा है कि शायद ये कल्चर यहाँ पर सेट हो गया है, एक ट्रेंड कि बस इसी तरह के बनेंगे। फैंसी बहुत कम है, एंड आई रियली मिस दोज काइंड ऑफ फैंसी रेस्टोरेंट्स, टू बी रियली ऑनेस्ट। कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं बहुत सारी जहाँ पे हम जा सकते हैं, लेकिन फैंसी रेस्टोरेंट्स जितने भी हैं वहाँ पर हलाल फूड नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर जा नहीं सकते। तो लेकिन ये कि टेस्ट अच्छा है खाने का, नो डाउट। एनीवेज, तो अब आज काबुल रेस्टोरेंट का देखते हैं कि खाना कैसा है। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले हम लोग जा चुके हैं लेबनीज़ रेस्टोरेंट, आपने देखा होगा, मैं कई दफ़ा गई हूँ, ईरानी में भी गई हूँ, सफ़ा सिटी। अच्छा, उसका एम्बियंस मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वहाँ का मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अगेन जब मैं जाऊँगी तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। उनकी जो अफगानिस्तान में यूज़ करते हैं, ये अफगानिस्तानी है सारे। लैंग्वेज पे बात हो रही है, मामा पूछ रही हैं लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। क्या नाम बताया था आपने लैंग्वेज का? पर्शियन होती है इनकी, और दरी भी बोलते हैं, पश्तो भी बोलते हैं, तीनों लैंग्वेज चलती हैं वहाँ पर। ये देखिए, नंबर 3 हमारे खाने का नंबर है, और अभी यहाँ पर बैठे हुए हम कर रहे हैं वेट। अभी क्या बता रहे थे यहाँ की डीलों के बारे में? मैं कहता था कि अभी ओपन हुआ था ना 2013-14 में, हम आया करते थे सारे दोस्त जो जाते थे यूनिक के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो है ना काफ़ी इनके रेट्स रीज़नेबल थे। जो भी डील आजकल, अभी जो हम ऑर्डर करके आए ना, ये वाली डील उस टाइम पे शायद $14 की थी, अभी $25 की एक डील है, और फुल चिकन, होल चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें $8-9 का आई थिंक आता था, फुल चिकन रोस्ट स्टाफ ही सारा चेंज हो गया। वेट कर रहे हैं हम लोग खाने का, ये इस तरीके से लॉन्ग लेंथ में इन्होंने बनाए हुए हैं, एंड सामने की तरफ जो है ये इनका किचन है, यहाँ पर ये ऑर्डर लेते हैं। ये दो इंसान बैठे हुए हैं यहाँ पर, भूखे प्यास से, इनको भूख लगी है, इनको प्यास लगी है, कामरान को नींद आई है, अब जब खाना आए तो फिर फेस के एक्सप्रेशंस कुछ और होंगे। अभी देखूं आपके कैसे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत भूख लगी है। कामरान के कैसे हैं? ऐसे खाली पेट ऐसे जी, फिर बाद में देखने। कामरान का बस नहीं चल रहा खाना अंदर से जाकर ले तो वो पहले से आए हुए थे हमसे, वो हमसे पहले आए थे लोग, वो पहले आए थे, उनको मिल गया, उन्होंने शायद ऑर्डर पहले दिया हो। एंड जी, फाइनली हमारा खाना आ चुका है, आसार नज़र आ रहे हैं, सैलड इज़ हेयर, नान इज़ हेयर, ये इसको बिछाएंगे इधर, दैट्स आवर फूड। कामरान तो शापर नहीं खुल रहा, खुल गया शापर खुल गया। चलें जी, हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है,
बिछाए दस्तरखान बिछा लें आप, ठीक है। एंड दिस इज द सैलड एंड चटनियाँ। तो जनाब ये रही हमारी डिशेस और अब खाना शुरू करते हैं। वाह वाह क्या बात है, बेहतरीन यमी यमी। गाइस खाना बहुत मजे का, माइल्ड और बहुत मजे का। मम्मा को बहुत अच्छा लगा है। मम्मा बहुत अच्छा, ये कबाब भी बहुत अच्छे हैं, चिकन इज ऑल्सो वेरी गुड, पुलाव बहुत मजे का है, बिल्कुल लाइट लाइट सा है, हल्का हल्का, बहुत अच्छा जी। सफाया कर चुके हैं हम प्लेटों का, हर चीज़ का खा खा के। फूड वॉज रियली रियली गुड, थम्स अप। अच्छा एम्बियंस भले अच्छा ना हो लेकिन यार खाना बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड एक सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि यहाँ पर आप आराम से सुकून से बैठ के खाते हो, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, क्योंकि बंदा खाए रिलैक्स होकर। जो बैठ कर खाने का मज़ा है ना, मतलब इस तरीके से ज़मीन पर, उसकी अलग ही बात होती है। मैं जो ना अब इस तरीके से बैठ गई हूँ टांग पे टांग रख के, जब तक ये दोनों खा रहे हैं हम तो खा चुके हैं। क्या मैं कुछ बोलूं? बोलो। खा चुके हैं अपना सारा, मुझे उठा के दे दिए जी। नहीं सारा नहीं, तो तीन बोटियाँ दी हैं मैंने, सिर्फ तीन बोटियाँ ट्रांसफ़र की हैं यार, उसमें क्या है। सिर्फ तीन चिकन के पीस मैंने कामरान को दिए हैं, वो भी ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसे थोड़ी होता है, पीछे देखो यार मेरी दुकान लगी हुई है, ये इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें सजी हुई हैं, पता नहीं क्या है, मैं पीछे जाके देखूंगी अभी। इसको तख्त कहते हैं, मैं फट्टे कह रही हूँ। मम्मा मुझे जना कह रही है कि बहन ये फट्टे नहीं होते, ये तख्त होते हैं, क्या हो गया तुम्हें। तो हमसे क्या, हम सब बादशाह हैं? शॉप है, इसमें नान पान मसाला कहीं पे अगर मिल जाए तो। डजंट लुक लाइक यहाँ पर है। कामरान कह रहे हैं सेवन अप उठा लो अपनी, किधर है सेवन अप, ये देखो जरा यार। हाँ भाई क्यों छोड़ के जाए, सारी तो पी नहीं किसी ने। एनीवेज सो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। खाना बहुत अच्छा था, चाय पीने का बहुत मूड था लेकिन ये लोग क्लोज कर रहे हैं, इसलिए अब चाय कहीं और से पी लेते, लेट्स सी, या कॉफ़ी पी लेते। चप्पलें पहनने का टाइम है, ये देखिए ऐसी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के हम तख्त पे गए थे। ऑलराइट सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वापस, ठंड है बाहर अच्छी खासी। अच्छा पुश करना था हाँ सही। तो यहाँ पर मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, पुश करना है या पुल करना है, है ना, कितनी ठंड है। बाल क्या उसको गड्ढे में डालूं जल्दी से। हाँ सुकून, बहुत अच्छी हवा है। ये देखें जी खामोशी है बिल्कुल, बहुत कम लोग हैं यहाँ के। पेट्रोल स्टेशन से भी वाइब्स आती हैं, वो देखें ज़रा, पेट्रोल स्टेशन का नाम ही वाइब है। चलो जी भाई ये कॉफ़ी पीने आए हैं, वंस अगेन 7-Eleven की कॉफ़ी जो कि मुझे बहुत पसंद है। हमारी बारी कब आएगी अंकल, जल्दी हटेंगे। खा लें भाई, भाई साहब हम उस पर क्यों चले जाते, वो बंद है, खराब हो गई फ्रेश मिल डाला इसलिए मैं आपने रहा। अच्छा फ्रेश मिल्क वाली है, ओके ठीक है जी भाई। देखिए यहाँ से हम लेते हैं कप, कप को रखते हैं इधर। कितनी डालनी शुगर? शुगर मैं डालूँगी 2। इसको तो चला दें पहले, इसको चला दें फिर शुगर डालें। कैपेचिनो या लाटे? मैं कैपेचिनो। ये
पता दबाया बटन, यहाँ से निकलेगी कॉफ़ी। ये किया मिक्स 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 मिक्स, वो निकलने से पहले इसको डालना होता है क्योंकि वो मशीन को साफ करता है, पानी एंड पे निकलता है। ओके, ये लिया टक्कर। नेक्स्ट बार एंड कॉफी इज रेडी। कोको पाउडर देखा यार, डालो डालो खुल के डालो, फ्री है फ्री है, खुल के डालो। मैं कहता हूँ भर बस बस ना नहीं डाल दो। चले जी भाई, कॉफ़ी ले ली है और कामरा ने नहीं ली, सिर्फ मैंने ली और मामा ने ली है। नाउ वी आर गोइंग बैक इन द कार, लेट्स गो। सर्दी में कॉफ़ी की अपनी ही बात है, और ये वाली कॉफ़ी की अब आदत सी हो गई है। मम्मा कह रही है कि मम्मा को पूरे ऑस्ट्रेलिया में खोता नजर खोता नजर नहीं आया। कामरान, मम्मा कह रही है कि उनको पूरे ऑस्ट्रेलिया में खोता नजर स्टिल खोते पे डिस्कशन जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया में खोता नजर नहीं आया। यार वैसे वाकई मुझे अभी तक ऑस्ट्रेलिया आके डंकी नजर नहीं आया इधर। ये क्या ले आ रही है जो तुम खोते घूमने में रुक रही तो फिर भी यार ये तो डिस्कशन ऐसे ही बस चल रही थी। अच्छा गाइस, जिन्होंने कामरान का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं यहाँ डिटेल्स में डाल देती हूँ कामरान का चैनल। और कामरान अपने चैनल पे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा से रिलेटेड एंड ऑस्ट्रेलिया में लाइफ से रिलेटेड। रिसेंटली कामरान ने अभी वीडियोज़ लगाना स्टार्ट किए हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।